हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट रेडी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। एंड पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि आप सी एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या करते भाई, कोई भी आपको एक इक्वेशन दे कि अगर डी की फॉर्म में दे रखी तो डायरेक्ट उसकी एक्जिली इक्वेशन निकाल लेते थे, एंड अगर इक्वेशन आर टी एस की फॉर्म में दे रखी तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसे डी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसकी एक्जिली इक्वेशन निकालते। एक्जिली इक्वेशन के बाद इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालते, रूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देते थे, सी एफ लिख देते थे। सी एफ के लिए हमने आपको फॉर्मूले रिक्वायर्ड थे, अगर इक्वल आएंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, अनइक्वल आएंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, एंड कॉम्प्लेक्स आते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में हम लोग फाइंड करेंगे पीआई कैसे फाइंड करते। पीआई का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, हम लोग किसी भी इक्वेशन के कैसे फाइंड करते। तो आज की क्लास में हम लोग ओनली पीआई फाइंड करेंगे, एंड यहां पर जितने भी क्वेश्चन देखे सभी के पीआई सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। एग्जाम में जो है आपसे या तो पीआई पूछेगा या सीएफ पूछेगा, क्योंकि दोनों अगर पूछेगा तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग बन जाता है, तो एमसीक्यू में या तो पीआई पूछेगा या सीएफ पूछेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि पीआई कैसे फाइंड करते। पीआई फाइंड करने के लिए भी मेथड होते। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोग मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया था पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। इसका राइट आंसर आ रहा है एक्स की पावर 4/12। तो अब इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स की पावर 4 लिखा हो, या वाई स्क्वायर लिखा हो, वाई की पावर 4 लिखा हो, या एक्स प्लस वाई लिखा हो, एक्स वाई मल्टीप्लाई में चल रहा, सभी क्वेश्चन के लिए हम आपको मेथड बताने वाले। तो इसी को हम लोग कहेंगे मेथड नंबर फर्स्ट। क्या मेथड रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे सेम उसी मेथड से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो गिवन में दे रखा उसे हमने एट इज़ेड लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको आर और टी की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आर का मतलब हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस का निशान लगाएंगे, ए स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। टी की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। डेल अपॉन डेल एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, डी, और डेल अपॉन डेल डेल वाई को लिखते हैं डी डैश। तो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एंड डी डैश का स्क्वायर, इक्वल में वैल्यू क्या जाएगी, और यहाँ पे जेड जो है वो कॉमन लेके लिख दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए, जेड कॉमन लेके लिख दिया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। ये आ गई है आपकी इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट पीआई निकालेंगे, यहाँ पे हम सीएफ निकालेंगे। चाहे तो आप इसका सीएफ भी निकाल सकते हैं भाई। सीएफ के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पुट कर दीजिएगा एम, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। डी डैश की जगह क्या रखेंगे, वन, तो माइनस का यहाँ पे मिल जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल में आएगा जीरो। तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ से आप एम की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे जो भी रूट्स इक्वल आएंगे तो इक्वल वाला, फिलहाल करेंगे यहाँ पे रूट्स प्लस माइनस में आएंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, यानी कि अनइक्वल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, सीएफ। अब आज की क्लास में हम लोग ओनली पीआई की बात करेंगे। तो पीआई के लिए यहाँ तक हमने इसे सॉल्व करिए। अब लिखिएगा यहाँ पे फाइंड पीआई। तो पीआई के लिए क्या करते हैं, पीआई का आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में। पीआई की वैल्यू होती है पीआई इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं क्यू अपॉन एफडी। क्या आता है भाई, क्यू अपॉन एफ टी। क्यू का मतलब क्या, जो आर एच एस लिखा हुआ क्यू की जगह क्या आ जाएगी, यानी कि इक्वल के साथ आर एच एस में जो भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की। एफ डी का मतलब जो भी एन एच एस में वैल्यू हो डी की फॉर्म में लिखी होगी वो हो जाएगी वैल्यू एफ डी की। तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एंड डी डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये आ गई है आपकी वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पी आई एट जेड लिखा रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग जब कोई भी एक्स स्क्वायर लिखा हो, एक्स प्लस वाई लिखा हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाइनोवल थ्योरम का यूज़ करते हैं। वाइनोवल थ्योरम क्या होती है भाई, वाइनोवल थ्योरम के कुछ फॉर्मूले होते हैं। वन माइनस एक्स की पावर, अगर माइनस वन लिखा हो तो फॉर्मूला बनेगा वन प्लस एक्स, प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा एक्स क्यूब, एंड समान ये फॉर्मूला एट जेड लिखा रहेगा। उसके बाद वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन का फॉर्म, माइनस वन का फॉर्मूला होता है वन, माइनस एक्स आएगा, प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का आ जाएगा एक्स क्यूब, एंड प्लस में आगे टर्म एट जेड। यानी कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस अल्टरनेट वैल्यू चलेगी, यहाँ पे अगर ओनली वैल्यू क्या चल रही है, प्लस में। तो ये दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस का। तो ये फॉर्मूले का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ होगा, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का और वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, इन दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इन दोनों ही फॉर्मूले को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपको इक्वेशन दे रहे कि इस फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दे रखी है, डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डी स्क्वायर की जगह हमें चाहिए वन, तो क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर, एंड डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे बचेगा वन, माइनस का निशान लगाएंगे, ए स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। डी स्क्वायर कॉमन
लिया, यहाँ पे डी स्क्वायर नहीं है तो क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की एटीजेड लिखा रहेगी, पूरी वैल्यू क्या चल रही है वन अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है मल्टीप्लाई। अब देखिए अपॉन में लिखा हुआ है पावर वन क्या चल रही है वन, एंड इसका ऊपर लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस का वन। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन डी स्क्वायर एटीजेड लिखा रहेगा, एंड वैल्यू आएगी वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर एंड पावर क्या आ जाएगी माइनस का वन। अब यहाँ पे देखिए वन माइनस एक्स की पावर माइनस, पूरी वैल्यू को क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर एटीजेड लिखा रहेगा, एंड यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी वन माइनस का निशान लगा ए स्क्वायर एटीजेड लिखा रहेगा, एंड डी डैश का स्क्वायर आएगा अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस का है तो वैल्यू क्या आएगी, सारी वैल्यू आएंगी प्लस, तो वन प्लस एक्स प्लस में आएगा एक्स स्क्वायर, तो प्लस में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसी वैल्यू क्या चलेगी, अल्टरनेट वैल्यू चलती है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। अब ना जो हम लोग कहाँ तक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसे सॉल्व करें तो आगे की तरफ सारे आपके जीरो बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, एंड देखिए डी डैश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एंड डी वन अपॉन अगर डी डैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी डैश लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, एंड वन अपॉन डी डैश लिखा है तो इंटीग्रेशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड अगर वन अपॉन डी लिखा है तो इंटीग्रेशन होगा किसके एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी डैश चल रहा है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, एंड डी डैश का स्क्वायर का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन होगा, वन अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, दो बार इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चल रहा है, अब देखिए यहाँ पे टू टाइम इंटीग्रेशन करना है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, बट यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है एक्स, तो एक्स का जैसे ही वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि यहीं पे स्टेप क्या बना रहा है जीरो बना, यानी कि इसके आगे हमें फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। ये अगर यहाँ पे स्टेप जीरो बना तो बाकी आगे के भी सारे स्टेप क्या होंगे जीरो, क्योंकि देखिए जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर यानी कि डी डैश की पावर टू पावर क्या हो जाएगी फोर, यहाँ पे फोर टाइम डिफरेंशिएशन करना और किस में करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और वैल्यू चल रही है एक्स तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि यहाँ पे स्टेप जीरो बन जाएगी, उसके आगे की आपको कोई भी स्टेप नहीं लिखना, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है जीरो, एंड एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है वन से, तो वन अपॉन डी एट जेड लिखा रहेगा। एंड एक बार क्या करिए आप मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का साइन लगाएंगे एंड सम ऑन एटीजेड लिखा रहे, ये वाला स्टेप नहीं है कि यहीं पे वैल्यू क्या बन रही है जीरो बन रही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे डी डैश का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डी डैश का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है वाई के रिस्पेक्ट वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो यहाँ पे आपको ओनली क्या मिला वन अपॉन डी स्क्वायर एंड ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। अब वन अपॉन डी स्क्वायर का मतलब डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, स्क्वायर लिखा हुआ टू टाइम, तो यहाँ पे लिख लीजिए ना यहाँ पे आ गए इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। सबसे पहले वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी एक्स स्क्वायर लिखा तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री एंड ये आ गया डी एक्स, वन अपॉन थ्री कॉमन निकाल सॉरी वन अपॉन थ्री जो है वो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी एक्स वन अपॉन थ्री एट जेड लिखा रहेगा एक्स की पावर क्यों यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, ये आ गई आपकी वैल्यू। इसे सॉल्व कर लीजिए तो आप जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की पावर फोर अपॉन ट्वेल्व, यही आ रहा है आपका आंसर। देखिए एक्स की पावर फोर अपॉन क्या आ रहा है ट्वेल्व, एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे वन अपॉन टी की जगह हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप सेम इसी मेथड को फॉलो करके हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना है, इक्वल में एक्स स्क्वायर लिखा हो वाई स्क्वायर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिखा एक्स प्लस वाई लिखा एक्स माइनस वाई लिखा, तो आपको क्या करना है जो भी इक्वेशन सबसे पहले देखे अगर डी की फॉर्म में देखिए डायरेक्ट पी आई लिख लीजिए, एंड अगर आर टी एस की फॉर्म में देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना आर टी की वैल्यू रखनी है उसके बाद उसे टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना, पी आई के लिए क्या लिखते क्यू अपॉन एफ डी जो इक्वल में यानी कि आर एच एस लिखा हो उसे लिख दीजिए, और एल एच एस में जो भी इक्वेशन लिखी अपॉन में वैल्यू आ जाएगी। एंड हमेशा यहाँ पे डी स्क्वायर आपको कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वन माइनस एक्स या बनेगा वन प्लस का एक्स की पावर माइनस
डैश, जैसे ही आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई अपॉन में वैल्यू क्या होगी, पावर लगी होगी वन, जैसे ही आप ऊपर ले जाएंगे वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का वन। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन करके देखिए जहाँ पे वैल्यू जीरो उसके आगे आप फॉर्मूला अप्लाई मत करिएगा, एंड जैसे ही आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी पीआई फाइंड करना, इक्वेशन दे रखी है टू डी स्क्वायर माइनस में फाइव डी 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 और डी डैश प्लस में लिखा है टू डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू लिखा है 24y माइनस का एक्स। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे हमने गिवन में लिख दिया, पीआई इक्वल टू लिख दिया हमने क्यू अपॉन एफ डी, जो भी वैल्यू क्यू की लिखी उसे भी वैल्यू पुट कर दी और एफ डी की वैल्यू भी रख दी। अब क्या करना है यहाँ पे भी वन माइनस एक्स या वन प्लस एक्स का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर, अब कॉमन क्या देंगे टू डी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगाइए 24y माइनस का एक्स एट जेड दिखा रहेगा, 2d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 माइनस में आ जाएगा 5d डैश अपॉन में आ जाएगा 2d। देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर कॉमन लिया, एक डी तो चल रहा था एक डी नहीं था, तो यहाँ पे एक डी से क्या कर दिया डिवाइड, और टू डी कॉमन लेंगे तो टू डी से भी क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस का साइन लगा यहाँ पे टू डी डैश का स्क्वायर एंड अपॉन में क्या आ जाएगा टू डी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे जो वैल्यू चल रही डी डैश का स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं थी तो क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, एंड ये देखिए वैल्यू एट जेड लिखी रहेगी, टू से टू चाहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी वन अपॉन टू डी स्क्वायर। देखिए पावर क्या चल रही है वन चल रही है अपॉन में, ऊपर से क्या हो जाएगी निगेटिव, तो आपको मिल जाएगा वन माइनस एंड यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइव डी डैश अपॉन में आएगा टू डी एंड माइनस में आ जाएगा यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर। टू से टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, होल ऑफ पावर क्या हो जाएगी माइनस का वन, 24y माइनस का x एट जेड लिखा रहा है। ठीक है अब इस पूरी वैल्यू को क्या मानेंगे हम लोग x, तो 1 माइनस x की पावर माइनस वन का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, चाहे तो यहाँ पे 24 लिखा उसे यहाँ पे लिखिए, तो 24 अपॉन में आ जाएगा 2d स्क्वायर एंड यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो आएगा 1 प्लस का निशान लगाएंगे 5d डैश अपॉन में आ जाएगा 2d माइनस में आ जाएगा d डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा d स्क्वायर। ठीक है वन प्लस एक्स, एक्स की जगह पूरी वैल्यू चले फिर आएगा प्लस का निशान लगाएंगे एक्स का स्क्वायर, तो फाइव डी डैश अपॉन में आ जाएगा टू डी एंड माइनस का आ जाएगा डी डैश स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एंड होल ऑफ स्क्वायर प्लस का निशान लगेंगे एंड समॉन की वैल्यू एट जेड लिखी रहेगी, यहाँ पर आ जाएगा वाई माइनस का एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी हमें ये वाला स्टेप लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है भाई, एक्स की भी पावर वन चल रही है वाई की भी पावर वन चल रही है एंड यहीं पे देखिए इंटीग्रेशन क्या हो रहा है टू टाइम हो रहा है, जैसे ही आप इसका टू टाइम इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो ये वाला स्टेप लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप चलिए सॉल्व कर लेते हैं यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24 अपॉन में आएगा 2d स्क्वायर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा वाई माइनस का एक्स प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 5d अपॉन 2d एंड यहाँ पे आपको मिलेगा y माइनस का x माइनस का निशान लगाएंगे d डैश का स्क्वायर अपॉन में आएगा d स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे y माइनस का x, यही स्टेप लिखेंगे यहीं पे वैल्यू क्या हो जाएंगी जीरो। अब देखिए अगर टू टाइम इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में करें दो बार डिफरेंशिएट, एक बार करेंगे भाई वन एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएट अगेन करेंगे वैल्यू जीरो और x का करेंगे तब भी वैल्यू जीरो, क्योंकि यहाँ पे x का हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई, 24 आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2d स्क्वायर y माइनस का x प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन वन टाइम करना है ओनली, तो जैसे ही आप वन टाइम करेंगे y का, ठीक है y का वन टाइम करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 अपॉन d, वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे वैल्यू क्या हो गई 1, x का करेंगे y के रिस्पेक्ट में वैल्यू हो जाएगी 0, तो प्लस का चाहें तो आप यहाँ पे माइनस का क्या लिख सकते हैं माइनस का लिख दीजिएगा 0 एंड आगे के जो भी स्टेप हो वो सारे क्या हो गए 0। इक्वल का निशान लगाएंगे 24 अपॉन में आ जाएगा 2d स्क्वायर एंड यहाँ पे आपको मिलेगा y माइनस का x। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का करना है 1 अपॉन डी, यानी कि कांस्टेंट का क्या करना है 1 अपॉन डी का मतलब हमने आपको बताया इंटीग्रेशन वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो प्लस का निशान लगाएंगे 5 एट जेड लिखा रहेगा यहाँ पे और 2 भी एट जेड लिखा रहेगा, ठीक है 2 छूट गया यहाँ पे 2 एट जेड लिखा रहेगा, 5 अपॉन 2 एट जेड लिखा रहेगा। 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है हमने आपको बताया, तो 1 अपॉन डी का मतलब होता है x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी x, क्योंकि d का मतलब होगा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड बाकी तो वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। अभी से चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 24 अपॉन में आएगा 2d स्क्वायर y आ जाएगा एंड जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 3y
टू एन एक्स एट जेड लिखा रहेगा। अब वन अपॉन डी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब दो टाइम क्या होगा, इंटीग्रेशन, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर देगी, यहाँ पे आएगा टू वन जै टू, टू टू जो हो जाएगा फोर, यानी कि ट्वेल्व आएगा। एंड ट्वेल्व कॉमन लेगी कि ट्वेल्व की मल्टीप्लाई इन दोनों ही वैल्यू के साथ होगी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा वाई डी एक्स एंड डी एक्स। और वाई एज अ कॉन्स्टेंट है, तो वाई क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा वन, प्लस का निशान लगाएंगे, थ्री वाई टू भी इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेंगे, एंड टू टाइम इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स डी एक्स एंड डी एक्स। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ट्वेल्व एट जेड लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे y भी एट जेड लिखा है, दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में x आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, थ्री बाई टू आएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी x, इंटीग्रेशन में आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड ये लिखा हुआ है dx। 12 एट जेड लिखा रहेगा, y भी एट जेड लिखा रहेगा। एक बार और डिफ्रेंशिएटिंग तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस का निशान लगाएंगे, थ्री बाई टू आएगा, टू टू से यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दीजिए, फोर। एक्स स्क्वायर का अगेन डिफ्रेंशिएटिंग तो एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी ट्वेल्व वाई, एंड ट्वेल्व की मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा टू, प्लस का निशान लगाएंगे, ट्वेल्व आएगा अपॉन में आ जाएगा फोर एक्स क्यूब, टू सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व, एंड फोर थ्री जो हो जाएगा ट्वेल्व, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी सिक्स एक्स वाई, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में मिल जाएगा थ्री एक्स क्यूब, एंड यही आ रही है आपकी वैल्यू। ये देखिए आ रहा है आपका आंसर सिक्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में आ रहा है थ्री एक्स क्यूब, एंड यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो लिख दीजिए पी आई इक्वल टू आ रहा है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस में आ रहा है थ्री एक्स क्यूब, एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आ गया। तो बस आपको मेथड ध्यान रखना, अगर आपको मेथड पता होगा तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा। क्वेश्चन मेथड में कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं, यानी कि क्वेश्चन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी डी के साथ वैल्यू, इनकी कॉन्स्टेंट चला डी स्क्वायर वाला टर्म आपको कॉमन लेना, बाकी जो भी वैल्यू बची उस पूरे को एक्स मानी वन आपका लिखा हुआ है, अपॉन हमने वैल्यू लिखी तो पावर के चल रही वन ऊपर ले जाएंगे, माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड इसे कर लीजिए इंटीग्रेशन करके सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है पी आई ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी एक इक्वेशन दे रही है, इसका आपको पी आई निकालना है, इसका आंसर आ रहा है एक्स क्यूब बाई सिक्स, एंड यहाँ पे इक्वल में वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी, यानी कि जब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला एक टर्म तक ही अप्लाई होगा, एंड एक्स चल रहा है तो वाई के रिस्पेक्ट में जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि यहाँ पे ओनली आपको एक ही स्टेप मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में दिखाओ, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, सेम इसी मेथड से क्वेश्चन को फॉलो करिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा, इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई डी डी डैश मीन, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक इक्वेशन जो होती है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वो एफ डी यानी कि डी डी और डी डैश के टर्म में इक्वेशन दे रखी होती है, एंड जेड एट जेड लिखा है इक्वल में जो वैल्यू या एक्स और वाई में फंक्शन होता है। ठीक है, इक्वल में आपको एक्स और वाई के फंक्शन मिलेंगे। तो इन्होंने ये पूछा कि इसमें डी और डी डैश का मतलब क्या होता है, तो भाई डी डी डैश का मतलब क्या, डी का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एंड डी डैश का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई, तो डी डी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में दिखा है पी आई ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको क्या करना है, पी आई फाइंड करो। सबसे पहले क्या करें, यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस में टू डी डी डैश, प्लस में लिखा है डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स। यहाँ पे भी सेम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है उसने एट जेड लिख दिया, पी आई के टर्म में इस वैल्यू को लिख दिया, डी स्क्वायर क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो वन अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड जैसे ही आप डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा वन माइनस टू डी डैश अपॉन में आ जाएगा डी, प्लस का साइन लगाएंगे डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड पावर क्या चल रही है यहाँ पे वन, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे पावर वन चल रही है, ऊपर लेंगे पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो वन अपॉन डी स्क्वायर वन आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा टू डी डैश अपॉन में आएगा डी, माइनस में आ जाएगा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर, एंड होल ऑफ पावर क्या होगी माइनस का वन साइन एक्स एट जेड लिखा है। फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का, तो वन अपॉन डी स्क्वायर वन आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू डी डैश अपॉन में आ जाएगा डी, माइनस में आ जाएगा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर,
एंड ये आ रही है आपकी वैल्यू, प्लस का निशान लगाएंगे एंड सो ऑन। इसके आगे हम लोग स्टेप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि स्टेप को आगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन एक्स लिखा हुआ है, एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, एक्स के टर्म में फंक्शन दे रखा है और डिफरेंशिएशन किसके टर्म करना, वाई के। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं पर वैल्यू हो जाएगी जीरो, यानी कि वन अपॉन डी स्क्वायर आएगा, यानी आपको आपको मिल जाएगा साइन एक्स, प्लस का निशान लगाएंगे टू डी डैश अपॉन में आ जाएगा डी साइन एक्स आ जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन एक्स। एंड देखिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो जब ये वैल्यू जीरो तो आगे की जितने भी टर्म है सारे वैल्यू क्यू जीरो, यानी क्यू जीरो हो रही है, ये भी समझिए। फंक्शन किसका, एक्स का है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है हमें वाई के रिस्पेक्ट में। एंड अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉन्स्टेंट का हो जाता है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर एंड ओनली क्या मिल जाएगा साइन एक्स। एंड दो टाइम क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टू टाइम इंटीग्रेशन किसका करना है साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा डी एक्स। वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन में माइनस का कॉस एक्स एंड डी एक्स, कॉस एक्स का अगेन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन एक्स, एंड यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। तो पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का साइन एक्स। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, यानी कि अगर साइन एक्स से रखा तो आप तब भी आप इस मेथड को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो एक्स के टर्म में था, अगर यहाँ पे हाँ वाई के टर्म में वैल्यू चल रही होती तो ये मेथड अप्लाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर y के टर्म में होता तो y के टर्म में साइन x लिखा है तो साइन का आप करते cos हो जाता, cos का करते साइन हो जाता, साइन का फिर से cos का फिर से, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू चलती रहती cos साइन में, तो इसी तब हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे साइन x लिखा हुआ था, y के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मेथड अप्लाई हो गया। अगर यहाँ पे साइन y लिखा होता तब ये मेथड नहीं अप्लाई, तो कोई और मेथड अप्लाई होता, ठीक है। तो उम्मीद करते ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है पी आई ऑफ दिस इक्वेशन, क्वेश्चन दे रखी आर माइनस एस माइनस में लिखा हुआ 6 इक्वल में लिखा हुआ है एक्स एंड वाई। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशन दे रखी आर माइनस का एक्स माइनस में लिखा 60 इक्वल में लिखा एक्स और वाई, दोनों ही वैल्यू क्या चल रही है मल्टीप्लाई में चली, तो सबसे पहले हमने इसे डी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये आ रही थी आपकी इक्वेशन। एंड यहाँ पे पी आई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ एफ डी डी डैश, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे पी आई का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एफ डी एंड डी डैश, यानी कि जो फंक्शन होंगे वो डी और डी डैश दोनों में ही होंगे। तो लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1 का फिर से फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला अप्लाई करें, तो जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 प्लस का एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने 1 टर्म तक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर वाला टर्म अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या चलती, एक्स की भी पावर 1 चल रही, वाई की भी पावर 1 चल रही, एंड इसमें अगर दो टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो दो टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, इसीलिए फॉर्मूला एक टर्म तक ही अप्लाई किया है। तो अप्लाई करने के बाद क्या कर लिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स वाई, एंड यहाँ पे देखिए दो पार्ट में डी अपॉन डी डैश की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करें, 6 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स वाई से करें। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करें, तो 1 अपॉन आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स एंड वाई एट इजर दिखा रहेगा, प्लस में आ जाएगा डी डैश का मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एंड आप देखिए यहाँ पे एक्स जीरो नहीं, क्योंकि एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में चला एज अ कॉन्स्टेंट, तो एक्स एट इजर लिखा रहेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन डी एट इजर दिखा रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो टाइम डिफरेंशिएशन हो तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि वाई का करेंगे 1 टाइम तो क्या हो जाएगा 1, एंड कॉन्स्टेंट का करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो ये वाली वैल्यू होगी जीरो, इसलिए आगे के सारे स्टेप क्या हो जाएंगे, तो ओनली क्या मिल रही आपको मिल रहा है एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एट इजर लिखा रहेगा, एक्स और वाई भी एट इजर लिखा रहेगा, प्लस का निशान लगाएगा। 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, ये आ रही है आपकी वैल्यू। और 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब भी होता है इंटीग्रेशन, वो भी टू टाइम, तो यहाँ पे देखिए वाई एज अ कॉन्स्टेंट है तो वाई इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स डी एक्स एंड डी एक्स, प्लस में निशान लगेगा 1 अपॉन टू एज अ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड डी एक्स। सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा वाई इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू एंड डी एक्स, प्लस का निशान लगाएंगे 1 बाई टू आएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री एंड ये आ जाएगा डी एक्स, एंड फिर से डिफरेंशिएटिंग तो यहाँ पे देखिए 2 एज अ कॉन्स्टेंट तो वाई वाई आ जाएगा 2, एक्स क्यूब वाई आ जाएगा 3 एंड प्लस में 1 अपॉन 2 आ जाएगा एंड 3 एट जेड लिखा रहेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। हम इसे सॉल्व करें, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो पी आई इक्वल टू आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी, प्लस में आ जाएगा 1.24 एक्स की पावर 4 एंड यही देखिए आ रहा है आपका आंसर। एक्स यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है एक्स
क्यूब वाई अपॉन सिक्स एक्स क्यूब वाई अपॉन सिक्स वन अपॉन 24 एक्स की पावर 4 एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, इसे भी क्या कर लीजिए नोट के। तो आपको बस मेथड को फॉलो करना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई के टर्म में वैल्यू चल रही है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशन x प्लस वाई के टर्म में ही वैल्यू चल रही है, बस यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करें यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए होमवर्क, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हुआ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल में दे रखा माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड इसका राइट आंसर आ रहा है 2 पाई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेम वही है, बस यहाँ पे देखिए जेड की जगह क्या चल रहा है, वी लिखा हुआ है, तो जेड की जगह वी लिखा तो मेथड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह देखिए हम लोग क्या लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह लिखते थे हम लोग आर। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे आर। तो मेथड नहीं, बस यहाँ पे z की जगह क्या लिखा हुआ है v लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा r प्लस में आ जाएगा डेल स्क्वायर v अपॉन डेल y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे t इक्वल में वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 पाई x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे r और t लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसे d d डैश के टर्म में। तो डेल अपॉन डेल x की वैल्यू क्या होती है d, तो यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर प्लस में निशान लगाएंगे डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे जेड की जगह मल्टीप्लाई में क्या चलेगा वी चलेगा। एंड जब इसका फाइनल आंसर जब आप लोग सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं, यानी कि पी आई इक्वल प्लस सी एफ जब लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं जेड इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई लिखते थे। तो बस यहाँ पे क्या होगा अगर इसमें सी एफ और पी आई दोनों ही पूछे जाए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वी इक्वल टू आ जाएगा सी एफ प्लस का पी आई, यानी कि अगर z होगा तो z इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई हो जाएगा, एंड v लिखा होगा तो v इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस का पी आई। तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है, बस z की जगह क्या चल रहा है v चल रहा है, बाकी सेम क्वेश्चन वही लगेगा। अब उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या निकालने वाले पी आई, तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस में डी डैश का स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या करेंगे डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो माइनस का 4 पाई एज अ कॉन्स्टेंट एट z लिखा रहेगा, डी स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस का लिखा हुआ है वाई स्क्वायर। पावर देखिए 1 चल रही ऊपर जाएगी, पावर जाएगी माइनस, तो माइनस का 4 पाई अपॉन में आएगा डी स्क्वायर 1 प्लस में आ जाएगा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का माइनस 1 का फॉर्मूला है, यानी कि अब यहाँ पे प्लस माइनस यानी कि अल्टरनेट वैल्यू लिखी जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का 4 पाई एट जेड लिखा रहेगा, अपॉन में लिखा हुआ है डी स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का निशान लगाएंगे डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस का निशान लगाएंगे डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर एंड सम ऑन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एट जेड लिखा रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिखा है वाई का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगी। जैसे ही आप इसका स्क्वायर ओपेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी कि 4 टाइम डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू 0, यानी कि ये वाला स्टेप क्या हो गया 0, यानी कि इसके आगे के सभी स्टेप क्या हो जाएंगे 0। तो सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो माइनस का 4 पाई अपॉन डी स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस में आ जाएगा डी डैश का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एट जेड लिखा रहेगा। एंड इसका क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो माइनस का 4 पाई एट जेड लिखा रहेगा, अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा वाई स्क्वायर, माइनस का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स के टर्म वाला वैल्यू 0 क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करें, 2 वाई यहाँ पे लिखा है डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, क्या चल रहा है डी डैश का यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर, यानी कि जब 2 टाइम करेंगे वाई स्क्वायर लिखा है तो सबसे पहले करेंगे तो हो जाएगा 2 वाई, वाई का अगेन डिफरेंस यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2 मिलेगी और अपॉन में क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब 1 अपॉन डी का मतलब होगा इंटीग्रेशन, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का 4 पाई एट जेड लिखा रहेगा, अपॉन में लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का निशान लगेंगे 2 एज अ कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे 2 टाइम। तो जैसे यहाँ पे करेंगे तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी एक्स एंड डी एक्स, तो जैसे ही आप देखिए 2 टाइम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम करेंगे कॉन्स्टेंट का हो जाएगा एक्स, अगेन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आपको वैल्यू मिलेगी, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस का 4 पाई आएगा अपॉन में आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2 मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई मिल जाएगा 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, देखिए वैल्यू प्लस में चल रही है, ये वैल्यू चल रही है निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी हो गया कैंसिल, ओनली क्या बचेगा वाई स्क्वायर, तो माइनस का 4 पाई आ रहा है अपॉन में आ रहा है डी स्क्वायर
एंड वाई स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर एट इजल्ट लिखा रहेगा, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा टू टाइम, तो डी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा टी एक्स, माइनस का फोर पाई वाई स्क्वायर एक इंटीग्रेशन टाइम, तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स डी एक्स, एंड अगेन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस का फोर पाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू जो हो जाएगा फोर, यानी कि फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस का टू पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ रही है, पी आई की आ रही है, यही आ रहा है आपका फाइनल आंसर। देखिए आंसर में आ रहा है टू पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा माइनस का, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पे बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में सेम मेथड वही फॉलो करा, मेथड में कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना, अगर वी के टर्म यानी कि डेल स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी अगर आपको फाइनल आंसर लिखा है तो वही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अगर जेड लिखा होगा तो जेड इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस का पी आई, एंड अगर वी लिखा होगा तो वी इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस का पी आई, बाकी कोई भी मेथड चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर एट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की, एंड यहाँ पे देखिए फाइंड सी एफ ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी, इसका आपको सी एफ फाइंड करना है, इसका आंसर आ रहा है फाइव वन एक्स प्लस में आ रहा है फाइव टू वाई, चलिए इसका ओनली क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर नाइन, गिवन में वैल्यू दे रखी है लॉग एस, इक्वल में लिखा हुआ एक्स प्लस का वाई, लॉग हटाएंगे तो इक्वल में जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा ई की पावर में, तो एस इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर में एक्स प्लस का वाई, और भाई एस का मतलब क्या होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, इक्वल में क्या लिखा होगा ई की पावर एक्स प्लस का वाई, डेल अपॉन डेल एक्स को लिख देंगे डी, और डेल अपॉन डेल वाई को क्या लिख देंगे डी डैश, और जेड एट जेड लिखा रहेगा इक्वल में लिखा हुआ ई की पावर एक्स प्लस का वाई। और यहाँ पे भाई क्या पूछा गया, ओनली सी एफ पूछा गया, तो हमने आपको बताया जब कभी भी एक एक करके इसे टेक करिए, इक्वल में क्या ले लीजिए जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा डी डी डैश जेड इक्वल टू मान लीजिए जीरो, क्यों भाई यहाँ पे ये जो फंक्शन हम लोग जब भी सी एफ निकालते हैं सी एफ में हम लोग क्या रखें इक्वल में जो भी वैल्यू होती है उसे जीरो लिख देते हैं, अगर डायरेक्ट एक्स जीरो इक्वेशन कहेंगे तो क्या आएगा एम एम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, बट यहाँ पे कंडीशन ये फॉलो नहीं क्योंकि हमने आपको बताया था अगर कभी भी आपको कंडीशन दे रखी हो डी डैश जेड इक्वल टू जीरो तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट सी एफ लिख देंगे, क्या लिखेंगे एफ वन, ठीक है। एंड अगर डी इक्वल डी जेड इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे सी एफ हम लोग क्या लिखते हैं तब हम लोग सी एफ लिखते हैं एफ एफ टू वाई, यानी कि डी डैश लिखा होगा तो यहाँ पे सी एफ में क्या आएगा एक्स आएगा, एंड अगर डी लिखा होगा तो सी एफ में क्या आएगा वाई, तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग कंडीशन फॉलो करेंगे डी डैश जेड इक्वल टू जीरो तो इसका सी एफ हो जाएगा F1, अब देखिए यहाँ पे F1 नहीं आ रहा है फाइव वन आ रहा है, तो यहाँ पे फाइव लिख लीजिए, अगर F1 लिखा हो तो F1 लिख लीजिएगा, फाइव वन लिखा हो तो फाइव वन, तो आपको मिल जाएगा फाइव वन एक्स, एंड ऐसे ही डी जेड इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा सी एफ हो जाएगा फाइव टू वाई, एंड दोनों ही फाइनल आंसर भी लिखेंगे तो सी एफ इक्वल टू आ जाएगा फाइव वन एक्स प्लस में आ जाएगा फाइव टू वाई, एंड यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो हमने आपको कंडीशन बताई थी भाई जब कभी भी डी डैश जेड इक्वल टू जीरो आपको दे रखो, यहाँ पे देखिए डी डी डैश इक्वल टू वैल्यू ही दे रखी थी, तो हमने लिखी डी डैश जेड इक्वल टू अगर जीरो होगा तो सी एफ डायरेक्ट लिख देंगे एफ वन एक्स आएगा, और डी जेड इक्वल टू अगर जीरो होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एफ टू वाई, यानी कि डी डैश होगा तो एक्स आएगा डी होगा तो वाई होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डी डैश जेड इक्वल टू क्या ले लिया जीरो, तो इसका डायरेक्ट सी एफ क्या हो जाएगा फाइव वन एक्स, एंड जब डी जेड इक्वल टू जीरो लेंगे तो सी एफ हो जाएगा फाइव टू वाई, जब दोनों को एक साथ लिखेंगे यानी कि सी एफ इक्वल टू हो जाएगा फाइव वन एक्स प्लस में फाइव टू एक्स फाइव टू वाई, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते ये मेथड भी आपको समझ में आ गया, तो जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए उन्हें सॉल्व करेंगे, एंड आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।